महंगाई के बारे में अभी भी देखेगा जाएगा तो फिलहाल इतना महंगाई हुआ है कि पूछो मत, जीने का बहुत मुश्किल है। महंगाई के ऊपर है कि महंगा हो गया है, सब सामान सस्ता होना मांगते हैं। सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, अभी गल्ला राशन पेट्रोल से लेके हर एक चीज बढ़ गया है। ये जो महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, ये आपके आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव डाल रहा है? प्रभाव तो बहुत डाल रहा है भाई। एक्चुअली क्या है ना, मैं एक एग्जांपल देगा पेट्रोल का, ओके जी। अभी 121 रुपये आज का रेट है, ओके। तो मैं ऐसा चाहूँगा ना कि 121 के बजाय ना 500 रुपये कर दे, ताकि हम भी एक मुकाम पर पहुँच जाए, हम भी ये सोचे कि ना गाड़ी चलाना है या नहीं चलाना है, या फिर हमें वापस ट्रेन में जाना है, या फिर भीड़ के धक्के खाना है। ऐसा 2-4 रुपया 5 रुपया ऐसा बढ़ाते रहेगा ना, तो हम भी ये अपेक्षा में रहेंगे कि कब वापस सस्ता होगा, कब वापस उसके भाव कम हो गए। तो ये झंझट की वजह से ना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। तो महंगाई अगर बढ़ा रहे ना, तो पूरा ऐसे बढ़ा दो ना, मतलब हम सोच लेंगे यार मर ही जाना अच्छा है ना। अब किसको जिम्मेदार मानते हैं? अभी हम किसी को जिम्मेदार तो नहीं मान सकते भाई। जिम्मेदारी बोल सकते हैं, 1 लीटर पेट्रोल का $1.5 बोले तो दिस इज नॉट ए USA। ओके, तुम कैसे बोल रहे हो कि जिम्मेदारी किसका? गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का है। बोलो जोर से बोलो। जस्ट टॉक टू द कैमरा। ओके, सो व्हाट? ओके, जस्ट सो व्हाट, वही मैं बोल रहे हैं ना। $1 को इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पैसा इंडिया से ले रहे हैं, वो हिसाब से लेबर को 400 रुपया पगार है, 400 रुपया पगार वाला 1 लीटर पेट्रोल खरीदेगा तो उसका कितना पैसा बचेगा? 320 रुपया भी नहीं मिल रहा है उसको। 320 रुपया में 1 किलो चावल वो खरीदेगा तो उसमें जाएगा 50 रुपया, आधा किलो सब्जी लेगा तो 40 रुपया, वो क्या बचेगा, क्या कहेगा वो? ये क्या इंडिया है क्या है ये? इससे भी अच्छा श्रीलंका, मैंने जो न्यूज़ सुना श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल को 70 रुपया, इधर कितना है? वो भी 70 है। क्या फर्क पड़ता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका पाकिस्तान? गए तो भी आसमान छू रहे, पेट्रोल का दाम इतना होगा 121 के ऊपर गए, बस सब्जी का दाम भी बढ़ गए, नींबू तो 15 रुपये एक चल रहा है, जो कि कई कुछ दिन पहले 10 का 3-4 मिलता था, अभी 15 रुपये में एक हो गया, कैसा खाएंगे? अभी महंगाई तो इतनी बढ़ गई, आमदनी कम है, महंगाई ज़्यादा हो गई, कैसे जिएंगे? और ये लॉकडाउन की वजह से सबका हालत एकदम बहुत बेकार हो गया है, किसी को नौकरी है ही नहीं, किसी को धंधा चलता है तो ये देखो मार्केट पूरा खाली है, महंगाई की वजह से कोई आता नहीं, कुछ लेता नहीं, क्योंकि दाम ही इतने बढ़ गए तो खरीदेंगे कैसे? एक तो घर चलाने का मुश्किल हो गया, उस पर से भाड़ा देने का, नौकरी नहीं, काम धंधा नहीं, खाए या जिए, जिए या मरे, ऐसा हो गया। सबसे पहले आप लोगों को बताओ कि गवर्नमेंट वालों को पेंशन बंद करो, 10 बार MLA बन गए तो उसको 10 पेंशन, बीच में मंत्री बन गए तो मंत्री का पेंशन, बीच में मुख्यमंत्री बन गए मुख्यमंत्री का पेंशन, बाद में केंद्र मिनिस्टर बन गए तो उनका भी पेंशन, कितना पेंशन हो गया? कम से कम वो पेंशन ले रहे हैं महीना 15-20 लाख का आसपास। किसका पैसा है? हमारा, तुम्हारा, इनका, इनका, सब जनता का, भेड़ में लाड़ मार के पैसा ले रहे हैं, शर्म नहीं आते वो लोग को? दूसरी बात है, आप पेंशन देने का तो मिलिट्री वालों को पेंशन दो, और डॉक्टर को पेंशन दो, नर्स को पेंशन दो, बाकी किसी को पेंशन नहीं है। पुलिस वाला भी ये लोग को भेड़ में लाट मार के पैसा लग रहा है, उनको भी नहीं देने का है। गाड़ी उधर खड़ा है, हमसे पैसा लेगा, पुलिस वाला आएगा तो दूसरे को पैसा नहीं है, ये सब क्या है? वी आर गेटिंग स्मॉल इनकम, वी आर पेइंग मोर मनी, वेर आर वी आर गेटिंग द मनी? प्रॉब्लम वही है, गुस्सा नहीं आएगा, नहीं आएगा। AAP जो पंजाब में किया वो अच्छा किया, एक ही पेंशन, ऐसे ये लोग क्यों नहीं करते है? पैसा खाने के लिए ये सभी लोग एक ही साथ है, जी। मार खाने के लिए हम लोग सब दूसरे साथ है, बस वही है। ये 1 रुपये का पेंसिल खरीदे तो इंक्लूडिंग टैक्स, वो टैक्स निकाल के किसको दे रहे हैं? मंत्री वालों को, गवर्नमेंट वालों को दे रहे हैं, वो बेचा क्या गलती किया? यही है इंडिया का गलती है, सबसे पहला कानून चेंज करो। AAP जैसे आर्मी आएगा तो वही अच्छा है। ये आपको मालूम है ये बाबा रामदेव पेट्रोल के लिए कितना रहता था, अभी क्यों बम बंद करके बैठता है? और जो ईरानी गिरानी वो सब क्या कर रहे हैं अभी है? पहले वो सिलेंडर उड़ा के रास्ता में घूम रहा था, अभी क्यों कहाँ गया वो लोग? बराबर है कि नहीं? सब फायदा अपना अपना फायदा के लिए बात करेंगे हम। मैम अंधेरी 7 हिल हॉस्पिटल में काम किया 3 साल, 3 साल में मेरे को कुछ भी नहीं मिला, घर पे बैठा दिया। ये देखो मकाई का धंधा कर रहा हूँ, कैसे तो पेट पाल रहा हूँ मैडम। महंगाई तो खूब अभी है, अभी के जो माहौल में चल रहा है तो बहुत महंगाई तो बढ़ गई है। सामान्य इंसान तो कैसा जग सकता है जी। वो तो अभी कोई पता नहीं है, धंधा पानी भी नहीं है, सब महंगाई ज़्यादा बढ़ गया है जी, जी। अभी क्या करना है, हम लोगों का तो धंधा भी नहीं है, उसमें गेहूँ चावल दाल सब बहुत महंगा हो गया, खाने पीने का आना सब महंगा हो गया है। ये मेरे को आज इधर बैठ के 30 साल हो गए हैं।
25 साल से मैं यही करता हूँ। अच्छा, तो आपने बहुत सारे मतलब टाइम देखे होंगे, उतार चढ़ाव, सरकार भी आपने बदलती हुई देखी होगी। बहुत देखा, बहुत कुछ देखा है, लेकिन ये जैसे सरकार जैसा कोई सरकार नहीं आया। बहुत परेशान है हम लोग महंगाई के जरिए। क्या नाम है सर आपका? रेहान, रेहान कुरेशी। रमजान साल है जी। क्या कहेंगे आप? हम क्या बताएं, म्यूनसिपालिटी वाले परेशान कर रहे हैं। छुट्टी बहुत है भी सरकारी, फिर भी हम लोग परेशान कर रहा, सुबह से अंदर बाहर करते करते हुए जा रही है। माल ले नहीं रहे हैं, बताओ हम लोग क्या करें। क्या सरकार क्या बोले, सरकार तो अपनी अपनी चलाएगी। महंगाई जो है, लेकिन उस तरह से कमाई अगर हम करते हैं तो कमाई भी चल रही है, प्रॉब्लम है नहीं। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, बढ़ वो तो बढ़ रहा है, लेकिन शाम घर पे दो टाइम का आ रहा है। ऐसे नहीं कि उसके लिए किसी और के पास जाना। आप खुश हैं लेकिन? हाँ ठीक है, खुश है। हम लोग दोनों वही बात कर रहा था। पेट्रोल के दाम बढ़ गए, सीएनजी के दाम बढ़ गए। पहले गवर्नमेंट बोले कि सीएनजी के दाम कम करते हो, अभी 66 रुपये था तो 6 रुपये कम किया, 60 रुपये हो गया। 60 रुपये करके बाद में 67 किया, 67 करके कुछ बोले नहीं, कुछ नहीं, और डायरेक्ट 72 कर दिया। तो ऐसा होएगा तो धंधा कैसा है? धंधा तो क्या है, धंधा कितना होता है? 500-600 रुपये धंधा होता है। तो रिक्शा वाला क्या, कैसा जिएगा रिक्शा वाला? गवर्नमेंट को वही बोलते चुपचाप भाव क्यों कम करने का, पब्लिक को बोलते हैं कि कम कर रहे हैं, भाव कम कर रहे हैं और भाव बढ़ा देते हैं वो। सिमिलर रखो कि जैसे बढ़ाते हो तो हमारे पास से जा रहा है तो हमारे पास भी आने दो, कहीं से एवरेज रहने दो। ठीक है, कैसे तो हम लोग जी लेंगे, क्योंकि इतना अच्छा लाइफ तो बर्बाद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। तो सबका सिमिलर रखेगा गवर्नमेंट तो अच्छा है। अभी क्या है, हर किसी के पास टाइम कम है कि उसका खुद के पास इतना प्रॉब्लम्स है, तो वो छोड़ के वो इनके पीछे नहीं लग सकता, क्योंकि ये लोग सब तो एक हैं। आपको दिखते समय झंडे अलग दिखेंगे, आदमी अलग दिखेंगे, लेकिन सब एक है। तो इनके पीछे टाइम बर्बाद करके क्या मिलने वाला है? इसलिए लोग, आम लोग रास्ते पे नहीं उतरते, लेकिन हर किसी के दिल में है कि ये लोग का गलत है। अगर ये लोग आपसी टाइम पे मिल सकते हैं तो हमारे लिए भी मिलके कुछ तो करना इनका काम है, ये चीज़ इन्होंने ध्यान रखना जरूरी है। चलिए सर, कोरोना के बाद जिंदगी अभी अभी सवारी है ना, तो इसलिए पब्लिक कुछ बोलती नहीं है, पब्लिक चुपचाप बैठती है। चलो जानो, कोरोना के बाद अभी अभी सबको काम धंधा लगा है, तो क्या करेगा पब्लिक, थोड़ी आवाज़ उठाएगी।